अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढोकला और बहुत ही मज़ेदार और स्पॉन्जी होगा। सारे ट्रिक और टिप्स आप फॉलो कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तब आपका ढोकला भी एकदम मार्केट जैसा बनेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके ऊपर छलनी रख देंगे और उसमें हम 2 कप बेसन डाल देंगे। छलनी से छानने से अगर बेसन में कोई चीज़ होगी वो भी निकल जाएगी और बेसन ये गांठी सी हो जाती हैं वो भी सब निकल जाती हैं, तो अच्छे से छान लेंगे। तो बेसन को हमने यहाँ छान लिया है और जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा हम दही लेंगे। तो हमने 2 कप हमने बेसन लिया है तो हमने 1 कप दही ले लिया है और 1 कप दही में 1 कप ही हम पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका हम छाछ बना लेंगे। तो दही का हमने छाछ बना लिया है, देखिए इस तरह। और अब इसे एक साइड से रख देते हैं। अब जो हमने बेसन छाना था उसमें सबसे पहले हम बस थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल देंगे। अगर ये आपके पास हो डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा, इसे स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये कलर क्लीन डालेंगे ताकि हमारे ढोकले का कलर अच्छा हो जाए। बस थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और जो हमने छाछ बना कर रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारे बेसन में लम्स ना पड़े और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो हम सारा छाछ डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम 5-6 मिनट ऐसे अच्छे से फेंट लेंगे। और जब हमारा ये अच्छे से फट जाएगा, देखिए बैटर को इस तरह रखें, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, जिसमें हमारा दही था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें डाल लेती हूँ। अगर नमक और दही से आपको ऐसा लगे डालने के बाद कि आपका ये पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था बैटर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम मिक्सर को निकाल लेंगे और एक प्लेट से ढककर हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसे ज़रूर रखिएगा। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, आप कढ़ाई लें या कोई भी बर्तन जिसमें आपको ढोकला बनाना है वो ले लीजिएगा और उसमें 2 गिलास पानी डाल दीजिएगा और इसके अंदर एक स्टैंड डाल दें, कोई भी स्टैंड हो। अगर गैस का या आपके पास जो चूल्हे का स्टैंड होता है वो भी डाल सकते हैं, कोई कटोरी हो तो वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें रख दीजिएगा और इस पानी को बॉयल कर लीजिएगा। पानी को ढक देते हैं और पानी को बॉयल कर लेते हैं। हमारा जब तक पानी में बॉयल हो आता है तब तक हम अपने बेसन के घोल को देख लेते हैं। तो बेसन का घोल को रेस्ट करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच मिश्री। मिश्री ना हो तो आप किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं, या आप नहीं डालना चाहते मीठा तो आप इसकी भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1 इनो का पैकेट लेंगे और इनो के पैकेट को काट कर पूरा इसमें डाल देंगे। ये काम तभी कीजिएगा जब आप कढ़ाई में पहले पानी बॉयल होने को रख दें और इनो का पैकेट बाद में डालिएगा। तो हैंड टू हैंड डालेंगे और इनो का पैकेट पूरा डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्सर से मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि इनो का पैकेट डालने के बाद ये अच्छे से एकदम फूल जाता है। तो इसे ज़्यादा मत चलाइएगा, बस 1-2 मिनट इसे अच्छे से फेंट लें और आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा दुगना सा हो गया है, खूब ज़्यादा फूल के हो गया है। तो बस 2 मिनट इसे अच्छे से फेंटने के बाद अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें भी आपको ढोकला बनाना है, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को पूरे बर्तन में हम चारों तरफ लगा देंगे। इससे ऑयल लगाने से हमारा जब ढोकला बनकर तैयार होगा तो अच्छे से आसानी से निकल जाता है। तो हमने चारों तरफ इसके ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल लगाने के बाद अब हमने जो बेसन का घोल था वो सारा फटाफट से हमें इस बर्तन में कर देना है। तो सारे बेसन के घोल को हम इसमें कर देंगे और थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे ताकि इसमें बबल्स ना पड़े। और उसके बाद आप देखिए हमारी कढ़ाई में जो है पानी में बॉयल आने लगा है। अब कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं और सावधानी से हम जो ढोकले वाला बर्तन है बेसन का वो हम इसमें रख देंगे स्टैंड के ऊपर और इसे ढक देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे कम से कम 15 मिनट पकाएंगे और 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ढोकला बनने में
थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, आप 15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा और टूथपिक लगा कर देखिए, अगर ये क्लीन आती है तो समझ लीजिए बन गया, और इस पर थोड़ा सा घोल लगता है तो आप इसे थोड़ा और पका लीजिए। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद चाकू की मदद से चारों तरफ से एक प्लेट लगा कर हम इसे ढोकले को निकालेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा ढोकला निकल गया है और मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ, बहुत ही साफ़ बर्तन आया है, इस पर बिल्कुल भी लगा नहीं रह गया क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगा दिया था। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार एकदम ढोकला बनकर तैयार हो गया है। गैस बंद करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही इसे निकालिएगा, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। आप चौकोर गोल जो भी बर्तन लेंगे आपका ढोकला वैसा ही बनकर तैयार होगा। अब इसके पीस हम कट कर लेते हैं, तो पहले हम साइड से इसके पीस निकाल देंगे। हमारा गोल ढोकला है इसलिए हम इसके साइड के पीस निकाल देंगे। आप इसके पीस अपने हिसाब से जितने बड़े चाहें उतने काट सकते हैं, तो मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। देखिए हमारा कितना स्पॉन्जी, कितना बढ़िया जालीदार ढोकला बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब इसके जो साइड के पीसे हैं हम एक साइड से रख देंगे और इसे हम चौकोर चौकोर पीसों में काट लेंगे। जैसा कि बाज़ार में आपने देखा होगा ढोकला मिलता है, हम उसी साइज़ के इसके पीस कर लेते हैं। और मैं आपको एक पीस फिर उठाकर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो हमने इसके सारे पीस कट कर लिए हैं। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे जो कि ढोकले की जान है। गैस पर हम पैन रखेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें 1/2 चम्मच हम राई डाल देंगे, और राई जब चटक जाएगी तो इसमें हम खूब सारे कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ढोकले में, तो कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, तो इसमें खट्टा मीठा तीखा सभी हमें चाहिए, तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। 5-6 हरी मिर्च को हमने बीच में से चीर दिया था। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं, और थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसमें 1 गिलास भरकर हम पानी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं क्योंकि इसमें खट्टा तीखा मीठा सारा स्वाद हमें चाहिए, तो जितना मीठा आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस डाल देंगे, और नींबू का रस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा और जब ये चीनी घुल जाएगी उसके बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको खट्टा मीठा तीखा जैसा पसंद हो आप उसके हिसाब से इसमें चीज़ें कम बढ़ती कर सकते हैं। तो पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है तो गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम ये ढोकले के पीसों पे ऊपर से डाल देंगे। तो हमारा ढोकला बहुत ही ज़्यादा अच्छा शानदार बनेगा, और जब आप इसे खाएंगे तो इसमें खट्टा मीठा तीखा सारे ही आपको स्वाद मिलेंगे। तो हम चम्मच से सारे पीसों पे इसे डाल लेंगे, इससे हमारे जो ढोकले के पीसे हैं बहुत ही ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे उठा के हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ठंडा ठंडा ढोकला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आपने मार्केट में भी खाया होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ढोकला, तो उसके बाद आप इसे खाइएगा तो आपको ढोकले का दुगना मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ढोकला बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना है। आप भी सारे ट्रिक जो फॉलो करेंगे तो आपका भी ढोकला मार्केट स्टाइल बनेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।